BMCM बड़े मियाँ छोटे मियाँ वर्सेस मैदान। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैदान फिल्म तो मैं 100% में जिस दिन अनाउंस हुई थी, ये 2020 में ये फिल्म अनाउंस हुई थी, ये दिवाली में आने वाली थी, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट हुआ था इस फिल्म का, तो मैं जिस दिन इस फिल्म का टीज़र देखा ना, ये लेटेस्टली मैंने टॉप 10 इंडियन टीज़र बोल रहे हैं ना, टॉप 10 इंडियन टीज़र में से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीज़र्स मैंने अपने लाइफ में मैंने देखा था, वो मैदान का टीज़र था। क्या लेवल का टीज़र यार, फाड़ लेवल का गूज़बम्स, फाड़ लेवल की बीजीएम, फाड़ लेवल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था उसमें। तो अदर देन दैट, BMCM का टीज़र अभी देखा था, वो भी भाई वो बॉम्बास्टिक लेवल था, वो भी गजब गजब, बैकग्राउंड म्यूजिक सब गजब, पृथ्वीराज का जो साउंड जो वॉइस ओवर दिया गया भाई वो भी आतंक, बवाल लेवल का था। लेकिन वो मैदान का टीज़र तो भाई वो वन ऑफ द टॉप 10 बेस्ट टीज़र्स ऑफ इंडियन सिनेमा जो मैंने देखा, उसमें मैं उसको काउंट अप करूँगा। बट अभी जो क्लैश का सिनेरियो बना है, ईद के दिन क्लैश है, ये होना तय है भाई, अजय देवगन कभी क्लैश से पीछे हटता नहीं भाई, भले सामने कौन मतलब ना बुलडोजर भी आ जाओ ऐसा भी तब भी है, घर तोड़ दो कुछ भी कर दो तो भी ये बंदा पीछे क्लैश से पीछे हटेगा नहीं भाई, कुछ भी कर लो। मेरे को तो सिंगम 3 वर्सेस पुष्पा 2 वो वाला ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बहुत बड़ा भयंकर कुछ दबाव होने वाला है, वो सिंगम 3 फिर भी क्लैश से इसलिए हट जाएगी बिकॉज वो रोहित शेट्टी की फिल्म है भाई, उसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स है, खाली अजय देवगन नहीं, अगर ओनली अजय देवगन है, अजय देवगन फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है, भूल जाओ वो फिल्म क्लैश से हटेगी ही नहीं हटेगी। तो ईद के दिन ये क्लैश होने वाला है। तो लेट मी टेल यू इस क्लैश में क्या है, BMCM का जो बजट है भाई वो बजट 250 से 300 करोड़ का बजट है, मैदान का बजट मैक्स 100 करोड़ का बजट है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो तो अपना बजट 100% रिकवर कर लेगी, क्योंकि मेरे को जैसा भाई जो लेवल का टीज़र दिखा है ना, और इंडिया में जैसा फुटबॉल को लेकर क्रेज़ है भाई, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जैसे वो सारे सेंटर्स के अंदर में फुटबॉल को लेकर क्रेज़ है, इवन ए स्पोर्ट्स फिल्म बहुत टाइम से ढंग की बॉलीवुड ने एक स्पोर्ट्स फिल्म बनाई नहीं, बायोपिक स्पोर्ट्स फिल्म है जो स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, ढंग की एक प्रॉपर स्पोर्ट्स फिल्म बनाई नहीं, बीच में 3-4 लोगों का पता नहीं वो यहाँ पे तिल विल लगा कर हगा था बॉलीवुड ने, वो मजाक बन गया था वो उसके, मैं उसके रिसेंट टाइम्स के बीच में मैंने कोई भी एक स्पोर्ट्स फिल्म, अभी एक ओवररेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सब जगह पे हंगामा मचा रहा था, मैं रिसेंटली 2 दिन पहले वो फिल्म देखा मैंने, मैं बोला क्या यार क्या है, मतलब पूरा 2 घंटा बर्बाद हो गया मेरा। एक फिल्म अभी रिसेंटली, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ट्रेंड हो रहा था कि ये फिल्म क्या स्पोर्ट्स फिल्म बना है यार, क्या फिल्म बना है, उसमें एक एक्टर है थोड़ा सा पॉपुलर ही एक्टर है, तो वो फिल्म को लेकर भी बहुत हंगामा हुआ, मैं अब भी 2-3 दिन 4 दिन पहले वो मूवी देखकर उठाऊँ, मैं सर दर्द हो गया मेरा तो, सर दर्द देने लग गया मेरा तो, लिटरली मैं अभिषेक बच्चन ही इज़ द एक्टर, मेरा सर दर्द देने लग गया, तो वो हटा दो। बट टाइम से मैंने एक लेवल काइंड ऑफ लेवल ऑफ एक स्पोर्ट्स फिल्म होती है ना वो मैंने देखा नहीं, तो मेरे को लग रहा है मैदान 100% अगर उसमें उतर गई ना तो 100% ये फिल्म 200 करोड़ क्रॉस कर देगी, तो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर तो ये ले ली, क्योंकि अजय देवगन ने भी क्लैश में 200 करोड़ किया भाई, 200 करोड़ क्रॉस कर देगी। कमिंग टू BMCM बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उस फिल्म का बजट ही 300 करोड़ रुपीज़ है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्लैश के सिनेरियो में 300 करोड़ सब मारना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि भाई अक्षय कुमार के करियर में है ही नहीं 300 करोड़ रुपीज़, 300 करोड़ मतलब जो ग्रॉसर है वो नहीं है, बट स्टिल मेरे को लग रहा है कि भाई वो फिल्म थिएटर पे मतलब पब्लिक टूट तो पड़ेगी वो फिल्म देखने के लिए, वो मानो या ना मानो, और क्लैश कौन जीतेगा कौन हारेगा वो डिसाइड ये करता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ ख़राब फिल्म निकलती है तो, अगर बड़े मियाँ छोटे मियाँ ख़राब फिल्म नहीं निकलती है तो गारंटी क्लैश तो BMCM ही जीतने वाला है, क्लैश वही जीतेगा, 250 करोड़ तो कर लेगा वो, लेकिन उसको क्या है हिट टैग नहीं मिलेगा, वही जैसा सलार और इसका हुआ ना डंकी का, सेम कुछ उतना बड़ा कुछ खड़ा ऐसा वाला टैग मिलेगा नहीं, वो टैग उसी को मिलेगा जो दूसरा फिल्म है ना जो 100 करोड़ के बजट में बन के 200 करोड़ कलेक्शंस कर लिया उसी को मिलेगा, सेम सलार वर्सेस डंकी वाला हालत होने वाला है ईद के दिन में, कि जो कम बजट वाली जो फिल्म है वो एक स्पोर्ट्स ड्रामा ड्रामेटिक फिल्म एक एक्शन फिल्म को मतलब नंबर्स जो प्रॉपर डिजिट्स है डिजिट्स में तो नहीं मार पाई लेकिन वर्डिक में पेल दी है
नंबर्स के हिसाब से अगर जाऊँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि BMCM अगर ख़राब होती है तो ही नंबर्स उसके नीचे आएंगे। अगर एवरेज भी होती है भाई, वो फिल्म को के नंबर्स मैदान के नंबर्स से ज़्यादा ही आने वाले। कुछ भी कर लो, वो फिल्म के नंबर्स, अगर वो सोलो रिलीज़ होती है तो भाई गारंटी वो फिल्म पहली 300 करोड़ फिल्म होती अक्षय कुमार की, अगर अच्छी होती तो। बिकॉज उसमें उसका टीज़र भी मैंने देखा, बवाल भाई, बवाल टीज़र था उसका भी, बवाल गजब वाला टीज़र था। जो लॉजिक के हिसाब से अगर बात करो तो भाई सामने जो फिल्म खड़ी है ना मैदान भाई, वो भी कोई मतलब रास्ती चलती सड़क चलती हुई मूवी उठ कर आई नहीं, वो बहुत खतरनाक लेवल पे बनी हुई फिल्म है। वो टीज़र देख कर ही समझ आएगा, उसका स्क्रीन प्ले देख कर ही समझ आएगा। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि ये 100 में 200 करती है, वो 300 के बजट में 250 करेगी। यही डिफरेंस होने वाला है, यही नंबर ऑफ मतलब वर्डिक निकल कर आने वाला है इन क्लैश, अगर BMCM अच्छी फिल्म निकलती है तो। बिकॉज मैदान, ऑब्वियसली मैदान ज़बरदस्त फिल्म निकलेगी, ये सलार वर्सेस डंकी वाला ही सीन होगा यहाँ पर। तो मेरा वर्डिक यही है, प्री प्रेडिक्शंस मेरा क्लैश को लेकर यही है। तो मिलते हैं अपने, तब तक के लिए।